आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी एंड डिलीशियस केक की रेसिपी। आज बनाएंगे हॉट मिल्क केक। वन बोल रेसिपी है, कोई भी बना सकते हैं, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हो तो, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन केक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें 1/4 कप बटर ऐड करना है। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हो। देन मैंने इसमें 3/4 कप मिल्क ऐड किया है और दोनों को गर्म करना है। आपको इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि बटर अच्छे से दूध में मेल्ट ना हो जाए। बट मेक श्योर करो कि दूध रोलिंग बॉयल नहीं होना चाहिए, मतलब उबलना नहीं चाहिए बहुत ज़ोर से। बटर मेल्ट हो जाएगा, दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको आपको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए करना है। आपको छोड़ नहीं देना है, अदरवाइज़ दूध नीचे लग जाएगा एंड आपका जो केक है ना उसमें जलने की स्मेल आएगा। तो जैसे आप देख सकते हो बटर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो बस यही चाहिए। तो सब इंग्रेडिएंट्स का ग्राम में भी मेजरमेंट मैंने दिया हुआ है, तो आप ग्राम में भी ले सकते हो। हो गया, इसको अब साइड कर लेंगे। अब और एक बाउल में मैंने 1/4 कप दही लिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और देन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें सीप करेंगे। तो मैदा है 1.5 कप और इसमें मैंने आइसिंग शुगर लिया है, आप चाहो तो नॉर्मल पीसी भी शक्कर भी ले सकते हो। तो आइसिंग शुगर 1 कप है, आप इसका क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है एंड बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून ऐड किया है। अच्छा, अगर आप सॉल्टेड बटर नहीं लेके अनसॉल्टेड ले रहे हो तो ये पॉइंट पे 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सबको बहुत अच्छे से सीप करेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सीप करने से कुछ भी इम्प्यूरिटी रहेगा वो निकल जाता है। देन अगर लम्स रहता है कोई भी चीज़ में वो निकल जाता है एंड थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट होता है जिससे कि केक आपका अच्छा फ्लफी बनता है, ठीक है। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको रूम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको फ्रिज से निकाल के नहीं लेना है। अब इसमें जो दूध एंड बटर का मिक्सचर है वो ऐड करना है। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान देना है कि वो दूध का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा वार्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं हो जाना चाहिए, गर्म रहना चाहिए। गर्म गर्म ही आपको ऐड करना है और एक व्हिस्क के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से व्हिस्क के हेल्प से आपको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी है, तो यही कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे मैंने बताया दूध आपका जो मिक्सचर है वो गर्म रहना चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी दिख रहा है, बस यही चाहिए। अब मैंने एक 7 इंच का पैन लिया है, बेकिंग पैन, जिसमें मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगाया है और इसमें अभी केक बैटर को पोर करेंगे। अगर पार्चमेंट पेपर आप नहीं ले रहे हो तो ग्रीस भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पैन रेडी कर सकते हो। कितना फ्लोई अच्छे से है इसका बैटर, ऐसा ही चाहिए। बाय दिस टाइम मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए। इसको आप टैप करेंगे 2-3 बार ताकि अच्छा लेवल हो जाए और अब इसको मैं बेकिंग के लिए रखूँगी 170 डिग्री सेंटीग्रेड में 40-45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो केक कितने अच्छे से बेक हो गया है। अच्छा, टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है डिपेंडिंग अपन योर ओवन टेम्परेचर। 5 मिनट कूल करने के बाद इसको अब एक वायर रैक में ट्रांसफ़र कर लेंगे और केक को रूम टेम्परेचर में आने के बाद स्लाइस करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी स्लाइस कर रही हूँ तो आप इसका देखो अंदर का टेक्सचर कितना अच्छा है। एंड आई विश मैं इसको आपको टेस्ट करवा सकती, इतना डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने ये अपने गेस्ट के लिए बनाया था तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही कम टाइम में बनने वाला एक इजी रेसिपी है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छा लगा होगा, ज़रूर इसको ट्राई करिए। और कुछ भी आपको पूछना है या फिर सजेशन देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।